आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बंगाली बैकग्राउंड से हैं, राइट? तो बंगाली बैकग्राउंड से है फिर भी आप एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री में काम, लैंग्वेज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? मैं अभी तक टोटल 4 लैंग्वेज पे काम की और उसके बाद एसएमएस, उसके बाद हिंदी और उसके बाद अभी जो मेरी शुरुआत है भोजपुरी मूवी। Okay. तो अभी तक 4 लैंग्वेज पे काम की। तो मैं अपना फर्स्ट एसएमएस मूवी करने गई थी तो उसमें मेरा कैरेक्टर था बंगाली, मतलब हीरो एसएमएस और हीरोइन बंगाली। तो उसमें मेरा सारा डायलॉग बंगाली में था तो उसमें इसलिए मुझे कुछ टेंशन नहीं हुआ। तो एसएमएस में मैं गई तो एसएमएस भाषा मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत स्वीट लगा। Okay. तो तब मुझे लगा कि मुझे भी ये लैंग्वेज सीखना चाहिए। mm-hmm. और तो मैं आगे भी और एसएमएस मूवी करना चाहती। तो मैं फेसबुक में चैट करके मैं एसएमएस भाषा थोड़ा बहुत सीखी। Okay. फिर मुझे सेकंड एसएमएस मूवी मिला, मैं आसाम गई। तो मैं अपना डायरेक्टर दीदी जो है उसके घर में ही थी, जुम्मोनी देवी काउंट। तो वो दीदी सबको बोलती थी कि देवोश्मिता के साथ हर कोई एसएमएस में ही बात करेगा, वो समझे या ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा होते होते 2 महीना लगा था शूटिंग करने के लिए। तो उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स मैं देख रही हूँ मैं पूरा एसएमएस बोल पा रही हूँ। 2 मंथ्स, 2 महीने में एक नया लैंग्वेज, वो भी फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच। मैं अपना करियर ही एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट की। That's really applaudable. उन लोगों का जैसे कि मतलब कल्चर होता है, मैं सब धीरे धीरे जानी। उन लोगों का जैसे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होता है मिथिला चादर, वो भी मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों का बिहू सॉन्ग, वो भी मैं गा सकती हूँ। हाँ, तो वहाँ का दर्शक का बहुत सारा प्यार मिला मुझे। और आप अभी मुझे पूछ रहे हो मेरा मूवी के बारे में, तो मेरा फर्स्ट मूवी है बोरोलाल घर। मैं की थी उत्पल दास उसका ऑपोजिट में। और मेरा सेकंड एसएमएस मूवी है सुमा पौरा खत्ते। तो इसमें मेरा हीरो जो हीरो का रोल जो किया था इंदुमोली नियोग। और उसके बाद जो थर्ड में मूवी की थी क्रोध, तो ये है एक्चुअली साइको थ्रिलर मूवी। तो जिसमें मेरा है तीन टाइप का मतलब रोल है मेरा, मतलब एक है डॉक्टर, एक है एकदम फुल मॉडर्न गर्ल, और एक है फुल काला कपड़ा से ढका हुआ एक। तो ये एकदम टोटली डिफरेंट टाइप का है। तो मेरा फर्स्ट मूवी बोरोलाल घर जो है वो कॉमेडी फिल्म है। उसके बाद सेकंड जो है वो है मतलब अंडरवर्ल्ड रिलेटेड मूवी। थर्ड है साइको थ्रिलर। और फोर्थ जो की थी मैं एसएमएस में मिशन चैनल जुबिन गर्ग। तो मिशन चैनल में वहाँ पर बस मैं आइटम मेंबर ही की। और अभी रिसेंट मैं जो 5th मूवी करके आई हूँ तो वो मूवी का नाम है आहिया से कमिंग सून। आहिया से मींस कमिंग सून। तो ये एक्चुअली कॉमेडी मूवी है। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में एक्टिंग करना अच्छा लगता है। That's really nice. तो वहाँ के लोगों ने आपको कैसे अपनाया, मतलब आप क्योंकि एक डिफरेंट बैकग्राउंड से टोटली एक डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जब मैं वहाँ गई, वहाँ मतलब सारा चैनल्स में इंटरव्यू देने लगी, तो मेरा एक चैलेंज था कि मैं अपनी भाषा में ही मैं इंटरव्यू दूँगी। तो वहाँ का दर्शक जो है मतलब मुझे बहुत पसंद की कि मैं इतना जल्दी एसएमएस लैंग्वेज बोल पा रही हूँ। तो इसकी वजह से वो लोग मुझे खूब सारा प्यार दिए और मेरा मूवी भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगे। और वो लोग मैंने काफ़ी सारा इंटरव्यू हुआ है जहाँ पर मैंने व्यूअर्स फ़ोन करके मुझे बोला है कि तुम ही अमर सवाली, मतलब तुम हम लोगों की, तुम हमारी बेटी हो। तो ये मेरे लिए बहुत मैंने ज़्यादा है, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अचीवमेंट है ये। 2012 में मैं फ़र्स्ट एसएमएस मूवी की थी। mm-hmm. तो मेरा चांस आया था डायरेक्टर मंजू बोरा। अच्छा. उनकी तरफ से। okay. तो वो मंजू दीदी खुद मेरे मुझसे फ़ोन में बात की कि बोरोलाल घर मूवी का नाम है, फर्स्ट मूवी okay. मेरा एसएमएस लैंग्वेज पे। तो उसके लिए आपको सिलेक्ट किया गया देवोश्मिता। तो दीदी मेरे से बंगला में ही बात की। तो दीदी बहुत अच्छी लगी। तो इतनी बड़ी डायरेक्टर है तो उनके साथ बात करके लगा ही नहीं कि वो इतनी बड़े डायरेक्टर है, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो उसके बाद मैं असम गई तो उसमें मेरा डायलॉग तो बंगाली में ही था, सिर्फ गाना जो था सारा एसएमएस में था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम जब मैं गुवाहाटी गई तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम सब कुछ नया, नया लोग, नया मैंने नया फिल्म इंडस्ट्री मतलब नया भाषा का। तो शुरू दिन में थोड़ा बहुत डर लगा कि मतलब यहाँ का लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मैंने यहाँ का मैंने दर्शक को मैं कितना मतलब अपना एक्टिंग की तरफ से कितना दे पाऊँगी, मतलब
ये सब लेकर पहला दिन बहुत टेंशन में थी, तो नेक्स्ट डे मैं देखी कि वहाँ का लोग मुझे बहुत ही अच्छे से अपनाए, बहुत प्यार दिए। तो जब मेरा मूवी रिलीज़ किया तो वहाँ का दर्शक ने मुझे बहुत पसंद किए, तो जैसे कि वहाँ का सारे चैनल्स का जो मतलब ये होता है मैंने लाइव शो होता है, तो लाइव शो में जो मैंने पब्लिक का फ़ोन आ रहा था दर्शक का, तो मुझे फ़ोन मैंने फ़ोन करके खूब सारा प्यार दिए। तो मैंने फीलिंग ही कुछ और है कि मैं तो आउटसाइडर हूँ लोगों के लिए, तो फिर भी मुझे इतना प्यार दिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जुबिन गर्ग का नाम सुनते ही हमें या अली गाने की याद आती है। हाँ, तो आपने मिशन चाइना में काम किया है उनके साथ। हाँ। और उन्होंने एज अ डायरेक्टर वहाँ पे रोल किया है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी वो सिर्फ एज अ डायरेक्टर नहीं, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ हीरो, एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किए। वाओ। तो उसका खुद का मूवी है जुबिंदा का, और जुबिंदा के साथ मैं एक बार पहले शो कर चुकी हूँ, जो मैंने बिहू का शो कर चुकी हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है, और मैं खुद उनका गाने का बहुत फैन हूँ। तो मेरे मूवी में, मेरा जो सेकेंड एसमीज मूवी था सुमा पड़ो होते, उसमें मैं भी मैंने वो मूवी में भी जुबिंदा ने गाना गाया था, मैंने टाइटल सॉन्ग और एक गाना, टोटल दो गाना गाया था। तो और मिशन चाइना में जुबिंदा के साथ फर्स्ट टाइम जुबिंदा को एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, मैंने इतना सब कुछ एक साथ पाके, मैंने मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस। हाँ, हाँ, और स्पेशली ये जो मिशन चाइना है, इसको मैंने ये सुपर डुपर के भी ऊपर हिट हुआ है। तो मैंने ये मूवी रिलीज़ के पहले 3 हफ्ते का टिकट बुक था। ये मूवी कोलकाता में भी रिलीज़ हुआ था, कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी में तो हो गई, मैंने असम और बेंगलोर, मुंबई। दैट्स ह्यूज। हाँ, और सारे हॉल में हाउसफुल। कोलकाता में जैसे कि जो जो एसमीज लोग रहते हैं, उनमें से जो जो लोग मुझे जानते हैं, सब मुझे फ़ोन करके पूछे कि मैडम मुझे मिशन चाइना देखना है। वाह वाह। और आपकी दो और फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? एक तो रिलीज़ हो रही है भोजपुरी मूवी राजा जानी, जो कि डायरेक्टर है लाल बाबू पंडित, और प्रोड्यूसर है सुरेंद्र प्रसाद, प्रकृति फिल्म्स का। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये मेरी फर्स्ट मूवी है, तो और भोजपुरी के मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी मैं एकदम नई हूँ। तो मैं 3 दिन डायरेक्टर के ऑफिस में जाके पूरा स्क्रिप्ट को रिहर्स की, मैंने भोजपुरी भाषा, तो स्क्रिप्ट का मीनिंग ये सब कर रहे। तो मुझे और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें है खेसारी लाल यादव, तो वो मेरा बहुत फेवरेट एक्टर भी था, तो खेसारी लाल के साथ एक्टिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये अभी ईद में ही रिलीज़ होने वाला है, और अभी मेरा और एक एसएमएस मूवी आने वाला है, आई हैव अ कमिंग सून, फुल कॉमेडी मूवी। मतलब इसमें दिखा रहा है कि एक मैंने प्रोड्यूसर बनने आता है कोई, तो वो असम में आता है, एक जन के साथ इंट्रोड्यूस होता है, तो वो उनको बोलता है कि मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, मैं मूवी करना चाहता हूँ। ओके। वो उसको किस किस लेवल के, किस किस टाइप पे चीट करता है, वो लेके फुल कॉमेडी मूवी है ये। तो आप बीइंग अ वॉन्ग गर्ल, बंगाली मूवीज, एसएमएस मूवीज, नाउ भोजपुरी मूवीज, व्हाट नेक्स्ट हिंदी आल्सो एंड व्हाट नेक्स्ट? देखिए, मुझे लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छा लगता है, और साउथ इंडियन ऑब्वियसली मेरा टारगेट है, साउथ इंडियन है, ओडिया भी टारगेट है। तो वैसा मेरा कोई मतलब मैंने स्पेशल ऐसा नहीं है, मतलब मेरे लिए लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जिसमें मतलब स्टोरी अच्छा रहेगा, स्क्रिप्ट अच्छा रहेगा, मेरा कैरेक्टर जो है वो अच्छा रहेगा, वो कोई भी लैंग्वेज पे हो, मैं करने को राजी हूँ। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। एंड अपने मॉडलिंग से एक्टिंग, कहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिला? देर शुड बी सम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, और एक किसी पॉइंट पे आपने सोचा होगा कि दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ इट। तो मेरा मैं एक्टिंग से स्टार्ट की थी, तो एक्टिंग करते करते 2014 को
हाँ 2014 राइट 2014 को एक शो हुआ था कोलकाता में, कोलकाता फैशन एंड डिज़ाइन वीक. तो उसमें मेरा एसएमईज जो डिज़ाइनर थे, जो मेरे कॉस्ट्यूम दिए थे, मैंने मेरा सेकेंड एसएमईज मूव में वो थे. और मैं उसका शो स्टॉपर, मैंने एज ए शो स्टॉपर मैं वर्क की थी. तो फर्स्ट टाइम वो मेरे लिए रैंप था, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो मुझे लगा कि मैं एक्टिंग तो करती हूँ, तो मैं एक मॉडल भी बन सकती हूँ शायद. तो ऐसा सोचते सोचते मैं शोज करने लगी. तो करते करते आज हमने आज के दिन में ऑल ओवर इंडिया में कई सारा स्टेट है जहाँ पर मेरा फैशन शोज चलता रहता है. दैट्स रियली अमेजिंग. एंड और बाकी आपको इस दौरान ट्रैवलिंग के लिए बहुत मौके मिलते होंगे. ट्रैवलिंग तो बहुत होता है, तो लेकिन क्या होता है ना कि जो जो जगह पे हम लोग का काम होता है, शूटिंग चाहे या मॉडलिंग, हम लोग घूमने का उतना टाइम नहीं मिलता. फिर भी तो शूटिंग मतलब क्या होता है, जो जो अच्छा अच्छा जगह है वहाँ पर शूटिंग होता है, हम लोग रह सकते हैं. लेकिन शो के टाइम पे घूमने का मौका 80% चांसेस नहीं है. व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट यू लाइक व्हाइल शूटिंग? बेस्ट थिंग लेट्स से लाइक द जर्नी. मुझे टोटली ये शूटिंग नाम का जो चीज़ है, मैं टोटली मुझे बहुत शूटिंग के टाइम पे हम लोग को बहुत मेहनत करना एक्साइटेड रहती हूँ. जैसे कि काफ़ी सारा आज तक मैं काफ़ी सारा शॉट भी दी हूँ अपना लाइफ का रिस्क लेके, तो ये सब मुझे कुछ दिक्कत लगता ही नहीं. इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू शेयर एनी ऑफ योर दोज मेमोरीज वेयर यू हैव रिस्क, लाइक टेकन रिस्क? हम लोग शूटिंग किए थे असम में, ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है. तो आइलैंड मतलब एक पहाड़ टाइप का जो सिर्फ पेड़ों से घिरा हुआ है. तो हमारे डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वहाँ पर शूटिंग करेंगे. तो वहाँ पर इसके पहले कोई भी शूटिंग नहीं कर पाए थे. तो डायरेक्टर क्या किया, दो नाव के ऊपर मैंने एक कैमरा को, मैंने जिमजिप को सेट किया, और मैं और मेरी हीरो, बहुत अच्छा सीन था. वो जो पहाड़ है, पहाड़ के बेस साथ दो पत्थर लगाया हुआ है, छोटा छोटा दो पत्थर. तो डायरेक्टर ने बोला आप दोनों को ये पत्थर पे उतरना है, मतलब उतरने की जगह तक नहीं है. मतलब मैंने वो आइलैंड पे जा रही हूँ, तो मैंने पैर पानी में भीग रहा है ऐसा, तो कैसे भी वो पत्थर में मेरा हीरो चला गया सेकंड पत्थर पे. अब मैं फर्स्ट पत्थर तक से मतलब सेकंड पत्थर तक जा रही हूँ. मुझे लगा कि दो पत्थर के बीच में कुछ है. मैं ऐसा देखी, मैं देखा एक बड़ा सा एक सांप अंदर में सोया हुआ है. तो तभी मुझे लगा कि ये, तो मैं सबको बोली कि सांप है, तो सब आके बहुत डर गए. आके सब मतलब कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लगे, पानी वानी देने लगे, सांप तो चला गया. तो मुझे लगा ये सांप ही है, इसमें डरने वाली क्या बात है. फिर वही आइलैंड, मैंने वही पत्थर के ऊपर बहुत लाइफ का रिस्क लेके, मतलब ऊपर धूप और नीचे ब्रह्मपुत्र का पानी, अगर गलती से भी पैर फिसल गया डेड बॉडी तक नहीं मिलेगा. वो पानी में इतना करंट है हमारा, और पानी के लेवल पर जब जिमी जिप जा रहा था तो कैमरा का स्टार्ट बंद हो रहा था, कैमरा ऑफ हो रहा था, इतना रिस्क. फिर हम लोगों ने शूटिंग किया. तब तक मुझे मेन जो चीज़ है मुझे पता ही नहीं था. हम लोग शूटिंग किए, शूटिंग करके हम लोग घर तक आ गए. तो मेरी डायरेक्टर दीदी ने मुझे बताई कि पता है दोस्त, आज तक ये जगह पर इतनी अच्छी जगह है, आज तक ये जगह पर कोई शूटिंग नहीं कर पाए. मैं बोला क्यों, असम में शूटिंग होती ही रहती है, क्यों आज मैं फर्स्ट टाइम क्यों? तो वो बोली कि असम का सबसे ज़्यादा जो सांप होता है, स्पेशली कोबरा, यहीं पे रहता है. मैं बोला मैं जो तो मैं बोली जो सांप वो था, वो क्या था? कोबरा था. ये एक था, और एक था जो कि मेरा फर्स्ट मूवी बोरोलर घर पे हम लोग शूटिंग करने गए. तो हम लोग का शिलोंग पे जो बरापानी नाम का एक लेक है, बहुत सुंदर लेक है, तो वहाँ पर हम लोग गए शूटिंग करने. तो जिस दिन हम लोग जा रहे थे, मेरा वायरल फीवर का सेकेंड डे था. उस दिन फुल फीवर था, मेरा तबीयत बहुत ख़राब था. तो मैं बोली थी मेरे लिए शूटिंग को रोकना नहीं चाहिए, शूटिंग चलेगा. तो अब वहाँ पर पहुँचे, जो कोरियोग्राफर है वो उस लेक के सामने हम लोग को लेके गए, बोले कि ये लेक में हीरो हीरोइन का शॉट चाहिए पानी के अंदर. तो मैं कुछ भी सोची नहीं, मुझे लगा मैं कर सकती हूँ. मैं तो मेडिसिन खाई, सीधा पानी पे चली गई. इतना ठंडा पानी, सितंबर महीना, सितंबर में वो शिलोंग का वो पानी बहुत ही ठंडा होता है. कोलकाता में जैसे दिसंबर में ठंडा पड़ता है, वैसा ठंडा. वायरल फीवर का सेकेंड डे, तो दो मेडिसिन खा के पानी पे उतर गई. तो चार घंटा वहाँ शूट करके आ गई.
ऐसा हुआ ऑन नेक्स्ट डे, मतलब वायरल फीवर का थर्ड डे, बारिश में भीगने वाला शॉट. ओह माय गॉड, वो भी 4-5 घंटा. हैट्स ऑफ टू यू. आई मीन किसी ने सच ही कहा है, बिकॉज लाइफ में आपको कुछ भी पाना है, स्ट्रगल, रिस्क, चैलेंजेस, ये सब. तो मुझे फिल्म में जो मतलब मैंने कोई भी शॉट देने के लिए, अगर मैंने, मैं इतना प्यार करती हूँ अपना प्रोफेशन को, तो कितना भी मेहनत हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे इसमें ऑक्सीजन मिलता है. बहुत ही ब्यूटीफुली आपने ये चीज़ कहा है, बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. राइट. देवश्मिता मैम, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और ख़ास तौर पे आपके आपके बारे में जानकर और आपके काम के बारे में जानकर, और आपके इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फिल्म चैट आपको ऑल द वेरी बेस्ट कहता है आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए. और व्यूअर्स, आपके लिए डू वॉच ऑल हर अपकमिंग मूवीज एंड कीप सपोर्टिंग हर. थैंक यू सो मच. फिल्म चैट में आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और फिल्म चैट में मुझे आज इंटरव्यू देते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं दर्शक को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे खूब सारा प्यार दें, और मैं आगे और भी लैंग्वेज पे काम कर पाऊँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.